शेखुपुरा के गांव माड़ी में छठी क्लास के तालिब इल्म को कत्ल कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि नामालूम शख्स ने फायरिंग करके बच्चे को कत्ल कर दिया था। अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं, शेखुपुरा से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर माड़ी गांव में छठी क्लास का ये तालिब इल्म है जो कि कत्ल हो गया है। पुलिस के मुताबिक नामालूम शख्स ने फायरिंग करके बच्चे को कत्ल कर दिया, जबकि मुलजिम फायरिंग करने के बाद फरार होने में कामयाब हो गया है, जबकि लाश अस्पताल मुंतकल कर दी गई है। ये बच्चा जो कि कत्ल हुआ है, शेखुपुरा का एक गाँव है जो माड़ी कहलाता है, वहाँ पर छठी क्लास का ये तालिब इल्म है, जो कि पुलिस के मुताबिक नामालूम शख्स वहाँ से गुजरा, उसने फायरिंग की, फायरिंग करने के बाद फरार हो गया, लेकिन बच्चा मौके पर कत्ल हो गया है। मोहसिन शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात लेते हैं। जी मोहसिन। जी, ये नहायत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया। मासूम मुजम्म ने 10 साल मासूम बच्चा जो छठी क्लास में पढ़ता था और घर से शदीद सर्दी में पैदल स्कूल जा रहा था, इसको गोलियां मारकर कत्ल कर दिया है। कत्ल करने के बाद मुलजम जो है वो कत्ल करने के बाद मौका से फरार हो गया है। 10 साल बच्चे की शनाख्त के नाम से हुई है, जो मेहनत नदीम का बेटा है और थाना नारंग के इलाका माड़ी गाँव का जो है वो रिहायशी है। बच्चे की लाश को डेड हाउस जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है और थाना नारंग पुलिस कार्रवाई में मसरूफ है। तमाम बच्चे के कत्ल करने की वजह जो है वो मालूम है। मोहसिन शाद, आपका बहुत शुक्रिया। लोहारी के इलाके मछली मंडी में दीवार गिरने से